सो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम वीडियो। और गाइस यार, आज मैं जा रहा हूं दोबारा अपनी GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन, जो कि गाइस काफी ज्यादा हाई ग्राफिक वाली है। तो गाइस यार, आज को भाई हम लोग अपने कम टेम्परेचर पे खेलने वाले हैं, तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ और साथ ही बता देता हूँ भाई आज क्या होने वाला। तो गाइस यार, रिकैप में कि भाई ये है कि गाइस यार, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने भाई कोनोनील से मिल गए थे, और भाई उसने भाई हम लोग को एक काम दिया था कि भाई उसकी जो डॉटर है भाई उसको उसके घर पर ड्रॉप करके। तो भाई हम लोग तो उसकी डॉटर भाई ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन भाई मिस्टेक ये हो गई थी कि भाई हम लोग उसी लैम्बो लेके गए थे, और भाई लैम्बो को गलती से अपने होटल ले लिया है। तो गाइस यार, आज का भाई मेन काम ये कि भाई अपने जो लैम्बो है भाई कोलोनील को वापस करने जाने। साथ ही गाइस यार, आज इधर लॉयर का फोन आ गया थे भाई, उसको भाई कुछ गैंग से पंगा हो गया, तो भाई उसको भी भाई हम लोग देखने जाना कि भाई कौन सी गैंग से पंगा हो गया, भाई हम लोग उसकी क्या मदद कर सकते हैं। तो भाई चलते गेम के अंदर, देखते हैं भाई क्या काम होने वाला, लेट्स गो। तो सभी लोगों का स्वागत है वाइस सिटी के अंदर, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, टॉमी भाई अभी अभी भाई यहाँ सो के उठ चुका है भाई। कल रात को भाई ये कोट पैंट ही पहन के सो गया था। तो गाइस यार, जैसा कि हमने बताया आप लोग को कि गाइस यार, आज हम लोगों को भाई जाना है अपने लॉयर से मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भाई उसने बहुत तगड़ी से कॉल करी थी कि जल्दी आओ भाई मिलने के लिए। तो आज हम लोग उससे मिलने के लिए भी जाना है। तो फिलहाल अभी भाई हम लोगों ने कोट पेंट भी चेंज कर लिया है, बिकॉज वाइज भाई हम लोग उसके पास ऐसे तो जाएंगे, वो समझ जाएगा भाई दो दिन से ना आया नहीं भाई टॉमी ने। तो फिलहाल गाइस यार, अभी हम चलते हैं भाई घर के बाहर। और लास्ट टाइम भाई हम लोग अपने लैम्बो को लेके आए हुए थे, जो कि भाई कोलोनील की थी, तो भाई उससे भी वापस आने के लिए हम लोग जाना है। और भाई यार, अपने भाई होटल पर गाड़ी खड़ी करने वाले भाई, देखो भाई कैसे कैसे बंदे घूम रहे हैं, और भाई देखो मेरी गाड़ी का भाई क्या हाल कर दी भाई, मेरी गाड़ी भाई पूर्ण ही तोड़ दिया इन लोगों ने। तो जाओ भाई, मेरे को भी क्या करना भाई, मैं कोलोनील के भाई जाके खड़ा कर दूँगा भाई, मैं तो कर दूँगा भाई, मेरे को क्या करना। तो गाइस फिलहाल अभी अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं, निकालते हैं यहाँ से और फटाफट चलते हैं कोलोनील के पास, उसको उसकी गाड़ी देते हैं, और फिर चलते हैं भाई अपने लॉयर के पास, उससे बातचीत करते हैं कि भाई उसको क्या काम था। और भाई बगल में भाई वो पॉर्श चल रही है हम लोग के, भाई क्या ही सीन चल रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले यार, मेरे को भाई गूगल मैप खोलना पड़ेगा अपना, और वहाँ पर लगानी पड़ेगी भाई कोलोनील की लोकेशन, बिकॉज वाइज मेरे को ऐसे याद नहीं रहती। तो अभी हम लोग लगा लेते हैं भाई उसकी लोकेशन को, और आई थिंक ये है भाई उसकी लोकेशन। तो भाई हम लोगों ने लगा लिया उसकी लोकेशन को, फटाफट से उसकी गाड़ी देके आते हैं, और फिर चलते हैं भाई लॉयर के पास और देखते हैं भाई उसको आखिरकार हम लोग से भाई क्या ही बात करनी थी। तो फिलहाल फटाफट से अपनी गाड़ी में भगाते हैं और पहुँचते हैं कोलोनील के पास। फिलहाल गाइस यार, भाई लॉयर का फोन आया, उसने कहा भाई लैम्बो में भाई बांध देने आना उसके, पहले फटाफट से भाई मेरे पास हो। तो गाइस यार, अभी भाई हम लोग लॉयर से भाई आप लोग देख सकते हो भाई मैप में कितनी ज़्यादा आगे निकल आए। तो भाई फटाफट से लॉयर की लोकेशन को हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, और फटाफट से अपनी गाड़ी को भाई आगे वाले चौराहे से मोड़ते हैं, चलते हैं उसके पास और देखते हैं भाई ऐसी क्या बात है जो उसने हम लोग भाई इतनी ज़्यादा जल्दी बुलाया। तो फटाफट से भाई अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं यहाँ से, और देखते हैं भाई क्या ही इतने जरूरी काम आ गया कि भाई उसने हम लोग इतनी जल्दी भाई फ़ोन करके बुला लिया। बाकी एक सेकंड, नहीं नहीं यार सेट भाई, मैंने भाई अपनी गाड़ी में टच किया था, उन्होंने भाई मेरे को अरेस्ट कर लिया। भाई क्या ही सीन चल रहा है भाई, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया अभी। तो गाइस जरा फिलहाल मेरे इनसे बातचीत हो गई है, फिलहाल इन्होंने छोड़ दिया मेरे को, क्योंकि हम लोगों ने भाई हल्का टच किया था भाई। दिक्कत की बात ये होगी कि भाई कोलोनील की भाई लैम्बो चली गई मेरे से, मतलब कि समझ रहे हो। तो गाइस मेरे को भाई इन लोगों से बात करके भाई अपनी लैम्बो वापस लेनी पड़ेगी। तो गाइस बस मेरे को दो मिनटों फटाफट से इन लोगों से बात करते हैं और अपनी लैम्बो को भाई वापस लेते हैं, वरना भाई कोलोनील तो भाई छोड़ने वाला नहीं हम लोग को। तो गाइस जरा अभी भाई मेरी पुलिस वालों से बात हो चुकी है, और भाई उन्होंने बताया कि भाई इस सिटी का रूल यही है कि भाई अगर किसी भाई गाड़ी ऑफिस में आती है तो गाइस वो गाड़ी भाई जिस बंदे का नाम होती है भाई वो लोग उससे भाई डिलीवर कर देते हैं। जैसे कि यार मेरे नाम तो भाई टॉमी है, तो भाई ये लोग मेरे नाम पे तो गाड़ी है, तो भाई इन्होंने गाड़ी भाई मेरे को नहीं दी है, और गाड़ी जो है भाई वो कोलोनील के नाम पे थी, तो भाई इन्होंने गाड़ी जो है भाई कोलोनील के पास भाई पहुँचा दी है पहले से ही। तो अभी तो ठीक है, और अभी मैं भाई सीधे आ चुका हूँ भाई लॉयर के पास, क्योंकि भाई उसने इतनी ज़्यादा तेजी में बताया था, और मैंने सोचा भाई आप लोगों को बता दूँ कि भाई अभी गाड़ी का क्या ही सीन हुआ। तो गाइस चलो अच्छा ही हुआ, गाइस मेरे को भी गाड़ी देने जानी थी और उन लोगों ने भाई खुद ही पहुँचा दी, तो भाई इससे अच्छा काम क्या ही हो सकता है। तो फिलहाल चलते हैं भाई अपने लॉयर के पास, इससे बातचीत करते हैं भाई क्या चीज़ होगी भाई इतनी जो इतनी जल्दी बुला लिया हम लोग को। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लॉयर के पास, और ये एज ऑलवेज भाई डिप्रेशन में भाई पहले से रहता है। That there are more criminals in this town. Well, I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? तो गाइस जरा अभी मेरी भाई उससे सारी सारी बातें हो चुकी हैं, और भाई अभी उसने कहा है कि भाई हम लोग को जाना है भाई अपने महबूब बीच के पास, और भाई वहां जाके हम लोग भाई केंट पॉल को पकड़ना है। जैसे कि यार हम लोग भाई लास्ट में भाई इन्फॉर्मेशन मिली थी भाई केंट पॉल को पकड़ के लाना हम लोगों, तो फटाफट से अपनी जिस गाड़ी में हम लोग आए हैं खटारा गाड़ी में, इसी को लेके जाने वाले हम लोग महबूब बीच। तो महबूब बीच जहाँ से हम लोग के कुछ तो भाई इतनी दूर है, मतलब कि आप लोग देख सकते हो मैप पे, तो उतनी यार दूर पड़ेगा नहीं हम लोग को। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को भगाते हैं और हम लोग जाना भाई पीछे साइड को, तो अपनी गाड़ी को भाई पीछे इधर करते हैं और यहाँ से भगा के चलते हैं सीधे महबूब बीच के पास, और देखते हैं भाई ये कैंट पॉल भाई कौन है आखिरकार। तो आई थिंक भाई बीच जो है भाई ज़्यादा दूर तो नहीं, हम लोग यहाँ से भाई टर्न लेना है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से अपने एक टर्न लेना भाई, तो प्यार टर्न ले लेंगे भाई, पूरी थोड़ी गाड़ी भाई बच्चे रहना पड़ेगा भाई, ये लोग तो बड़े खतरनाक है भाई जो भी कहो भाई, इतने तो भाई लॉस एंड टॉस नहीं होती, इसलिए लोग भाई बाइक छुट्टी में तो भाई मचाए हुए हैं। तो ठीक है गाइस यार, अभी हम लोग
करीबन करीबन पहुंच चुके हैं अपने महबूब बीच के पास। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई महबूब बीच पर। भाई मैंने गाड़ी भाई पीछे लगा दी है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, भाई आगे ऐसी गाड़ी ढूंढने लेके आएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग भाई एंटर हो चुके हैं भाई महबूब बीच के अंदर। और गाइस आई थिंक भाई यही जो टेंट पोल है तो इससे हम लोग भाई देख लेते हैं भाई क्या बातचीत करनी है। तो अभी हम लोग भाई अंदर एंटर हो चुके हैं, बॉडी गार्ड से हमें बात हो चुकी है। तो गाइस अभी हमारी भाई टेंट पोल से बात हो चुकी है, भाई उसने बताया कि भाई जो भी काम कर रहा है भाई वो सब कर रहा है, इसी वजह से गाइस हम लोग को भाई उन दो सर्फों को जाके मारना पड़ेगा। तो गाइस जरा हम लोग को भाई एक अच्छी सी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, हम लोग को ऐसी खटारा गाड़ी लेके नहीं जाने वाले हैं क्योंकि भाई जो सर्फ है ना भाई काफ़ी ज़्यादा चला के। बाकी भाई लैम्बो गई हम लोग यहाँ से, तो फिलहाल इस वाली गाड़ी को रुकते हैं। और भाई अपनी गाड़ी दे तो भाई बहुत ज़्यादा जरूरी काम है भाई, देख सकते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी दो। मैं चलता हूँ भाई उन सबको पकड़ता हूँ और भाई उनको ध्यान लगते हैं भाई, उन्होंने भाई सबको भाई सब वाला काम करो भाई, दो भी पता वाला काम ना करो। तो चल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं भाई उन सब के पास, जैसे आप लोग सामने देख ही पा रहे हो भाई उस सब देखो सामने खड़ा कैसे देख रहा है। तो आई थिंक भाई मेरे पास कोई गन नहीं है, मतलब कि यार हम लोग को हाथ से लड़ना पड़ेगा। और भाई मेरी एचपी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, पता नहीं भाई हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं भाई, कि ये किसी बंदों से मतलब कि किसी से भाई फ़ोन में बात कर रहा है। और गाइस टॉमी भाई अभी यहाँ पे आ चुका है भाई, काफ़ी ज़्यादा कम एच पी है भाई टॉमी की, सही बता रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो भाई 17 की एच पी। और भाई ये भाई अबे भाई ये मेरी 10 एच पी है भाई, भाई सेफ भी भाई अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, बिकॉज भाई जब एच पी कम होती है ना तो भाई छोटी छोटी चीज़ भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर लगती है। लेकिन भाई अभी हम लोगों ने से भाई जैसे भाई गिरा दिया और इसका जो फ़ोन है भाई वो अपने पास आ चुका है फिलहाल के लिए। और भाई टॉमी भाई काफ़ी सुस्ता रहा है, लेकिन भाई अभी इसके एक सेकंड भाई जहाँ पे गाइस एक और बंदा आ चुका है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक साथ साथ हम लोग फ्रेंड वर्ड है क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो भाई बातचीत तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी हो रही है, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो। बाकी जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा डार्क सा है और आई थिंक भाई इसका नाम लेंस सेंसर रोज था। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई बातचीत तो काफ़ी अच्छी हो रही है। तो फिलहाल अभी उन्होंने फ़ोन सारा ले लिया है। तो फिलहाल गाइस अब भी कसी नहीं है कि भाई ये बंदा तो भाई भाग चुका क्योंकि मेरे हम लोग के पीछे भाई तीन तीन सेफ पड़ चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग भाई फुली स्पीड में भागना पड़ेगा जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। बाकी टॉमी भाई भागने में कमजोर नहीं, अरे भाई बता तो देता उधर जाना है। तो गाइस अरे अभी ये भाई हम लोग की मदद कर रहा है और भाई ये इसके पास कोई भाई मस्ती गाड़ी भाई लैम वगैरह कुछ है। तो भाई अभी हम लोग इसी में जाने वाले हैं क्योंकि लोग पीछे सब दे सकते ना भाई ये पकड़ने के लिए आ रहे हम लोग को, तो इनसे बच के भाई हम लोग को बच के निकलना है यहाँ से। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग भाई इनसे बच के भाई काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग भाई कहीं ले जाने को कह रहा है। तो ठीक है गाइस चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं भाई ये आखिर हम लोग भाई क्या करना चाहता है। बाकी हम लोग को भाई ये एमुनेशन लेके जाना चाहता है, मतलब कि नहीं नहीं गन लेने के लिए। आई थिंक ये हम लोग को गन खरीदवा दे तो अच्छी होगा क्योंकि अब कुछ गन खरीदवाएगा ये बंदा, क्योंकि अभी अपनी एच पी भाई इतनी ज़्यादा कम है। बाकी मैं लड़ लेता हूँ उन सबों से, इतनी ज़्यादा मेरे को कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन भाई दिक्कत की बात पता क्या थी कि भाई मेरी एच पी भाई इतनी ज़्यादा कम हो चुकी थी भाई, मैं उनसे लड़ता तो लड़ता रहते भाई तीन तीन बंदे आके भाई अगर लड़ते ना मिलते तो भाई मेरी एच पी भाई तीन से ज़्यादा कम हो जाती और भाई अपने बचपन में जो है भाई वो मुश्किल हो जाता। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं एमुनेशन की तरफ और भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं भाई दिलवाएगा तो भाई तू ही ना, क्योंकि मेरे पास पैसा ऐसा नहीं है। तो फिलहाल अभी इसने बताया कि भाई यहाँ पे एमुनेशन है, तुम जब चाहे आके यहाँ से गन खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई मैंने कह दिया भाई गन खरीदनी है ना, तो अभी चलते हैं भाई देखते हैं आगे सीन क्या होता है। आई थिंक ये हम लोग की भाई आगे की चीज़ों में भाई मदद करने वाला है। और गाइस यार अभी कह रहा है भाई यहाँ से अपनी जो गन खरीदनी खरीद लेना क्योंकि भाई इसका खुद ही पैसा नहीं, भाई कहाँ से दिलवाएगा हम लोग को। तो आई थिंक ये गाइस हम लोग के आगे के जो गैंगवार होने वाले भाई उन पे मदद करने वाला है। तो फिलहाल ये कह रहा है भाई चलो अभी अपनी होटल चलते हैं वापस से, और अभी का जो अपना काम था ना वो सारा सारा कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं भाई अपने होटल तरफ को। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी रखते हैं। आई थिंक भाई हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेन काम कर लिया, मतलब कि हम लोग भाई सब का जो फ़ोन था ना भाई वो लेना था जो कि हम लोगों ने ले लिया है। और अभी का सीन हम लोगों ने सारा सारा सही कर दिया, इसलिए हम लोग भाई अपने होटल जो है वापस आ चुका है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई अपने लैम्बो से भाई टॉमी उतर चुका है और भाई ये जो बंदा है ना लेंस भाई ये अपनी लैम्बो लेकर भाई चला जाएगा जैसे आप लोग देख ही सकते हो। तो फिलहाल अभी चलते हैं भाई हम लोग अपने होटल की तरफ को। और गाइस अभी का सीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्योंकि गाइस यार अभी हम लोग के पास अपने फ्रेंड भी आ चुका है, लेकिन गाइस अच्छी बात ये है कि अपना फ्रेंड आ चुका है, भाई बुरी बात यह है कि भाई हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा सेफ गैंग से पंगा ले लिया जैसे आप लोग देख ही पा रहे हो। तो उनसे लड़ने के लिए हम लोग को भाई कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा जिनसे यार हम लोग उनसे बच पाएँ और उन गैंग का जो मैटर है भाई वो खत्म कर पाएँ। तो गाइस यार आज की इस वाली गेम वीडियो में इतना ही काफी रखते हैं। बाकी आई होप आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं भी लूँगा आपसे, तब तक के लिए बाय।